राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग में लगे लिफ्ट विगत 3 माह से खराब पड़ी है। लिफ्ट के खराब होने के कारण प्रसूता तथा गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्ट के खराब होने के कारण महिलाओं को सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। जानकारी मिली है कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी आई है। जानकारी यह भी है कि लिफ्ट के कुछ पार्ट्स भी चोरी हुए हैं, जिसके कारण लिफ्ट बंद पड़ी है। एएचएस प्रशासन की ओर से लिफ्ट का संचालन करने वाली कंपनी को भी सूचित किया गया, लेकिन अब तक कंपनी मैकेनिक के नहीं आने के कारण खराब पड़ी लिफ्ट को सही नहीं किया जा सका है। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर टीसी गगरानी ने बताया कि लिफ्ट खराब होने की जानकारी मिलते ही लिफ्ट संचालन करने वाली कंपनी को सूचित किया गया। सूचना पर कंपनी प्रतिनिधि ब्यावर पहुंचे तथा जांच करने पर पाया कि लिफ्ट के कुछ पार्ट्स चोरी हो गए हैं। कंपनी ने इस बाबत अस्पताल प्रशासन को चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने के लिए लिखा था। पार्ट्स चोरी की एफआईआर दर्ज करने में थोड़ा समय लग गया। इस बाबत उपखंड अधिकारी से संपर्क पर सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद संबंधित पार्ट्स के लिए टेंडर कर लिए गए हैं। शीघ्र ही खराब पड़ी लिफ्ट को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। लिफ्ट के जो कुछ पार्ट्स चोरी हुए थे तो उसकी हमने एफआईआर करा दी है। एफआईआर के बाद में टेंडर कर लिए हैं वो पार्ट्स लगवाने के लिए, और फिर उस कंपनी को बोल के पार्ट्स लगवा के शुरू करवा दिए। उसमें टाइम लगा कि वो पहले कंपनी को बुलाया, उसने देखा कि इसमें पार्ट्स ही नहीं है, पार्ट्स चोरी हो गए, तो फिर एफआईआर कराई थाने में। तो एफआईआर दर्ज कराने में दिक्कत आई, तो उसके एसडीएम साहब से मिला, मैं इनसे मिला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में फिर टेंडर हुए, टेंडर कर दिए गए हैं।